नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा। मेरा स्ट्रीम पसंद रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट निशांत सूद जी। आप लोगों के बीच में हाजिर हैं मौसम के अपडेट लेकर। जानकारी आपको देंगे हिमाचल प्रदेश के मौसम के बारे में। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिलहाल कैसा रहने वाला है और आने वाले दिनों में मौसम को लेकर मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ संभावनाएं जताई गई हैं, ये जानकारी आपको देंगे। और हिमाचल प्रदेश में अब तक कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम कैसा रहने वाला है। अगर बात करें तो पिछले दो दिन जो है मौसम विभाग द्वारा जिस तरह से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, तो कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में ही भारी बारिश से भी कम बारिश देखने को मिली है। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहा है। बीते दिन कुछ एक जगहों पर काफी तेज धूप खिलने के कारण जो है गर्मी रही है, लेकिन अभी अगर बात करते हैं तो मौसम विभाग द्वारा जो आज कहा गया है कि दो दिन मौसम साफ रहेगा, यानी कि 26 और 27 तारीख को मौसम साफ रहने की संभावना यहां पर जताई गई है। और इस बीच अगर बात करते हैं तो मौसम विभाग द्वारा दो दिन का जो मौसम साफ बताया गया है, 28 तारीख को मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है जिसमें भारी बारिश को लेकर संभावना जताई गई है, और 29 और 30 को मौसम साफ रहने की बात यहां पर की गई है। तो फिलहाल अभी देखें तो हिमाचल प्रदेश में दो दिन मौसम साफ रहने की बात की गई है, लेकिन अगर आज मौसम की तरफ देखें तो रोजाना की तरह तेज धूप नहीं खिली है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और मौसम कुछ फीका सा बना हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि मौसम कभी भी बरस सकता है। आसमान से कभी भी जो आफत अभी बरस रही है वो बरस सकती है, लेकिन अभी बात करते हैं तो दो दिन मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। इसी बीच अगर बात करते हैं तो 28 तारीख को मौसम साफ नहीं रहेगा, बल्कि भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच बात करते हैं बीते दिन कहां कहां पर बारिश हुई है, तो सिरमौर में अगर बात करें नाहन में 45.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। नैना देवी की बात करते हैं तो 18.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, और इसी के साथ धर्मशाला की बात करते हैं तो 8.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अभी मौसम कैसा रहने वाला है। फिलहाल अगर बात करें तो दो दिन मौसम साफ रहने के बाद जो है 28 तारीख को येलो अलर्ट जारी किया गया है जिसमें भारी बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। इसी बीच बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में एक नेशनल हाईवे और 113 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, 123 बिजली ट्रांसफार्मर जो है बंद पड़े हैं, और इसमें सबसे अधिकतर सड़कें जो है 5 दिन से जो है वाहनों के लिए अवरुद्ध पड़ी हुई हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में जो 130 से ज्यादा रूट पर बस सेवाएं भी बाधित हैं, और लोगों को इससे खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरह से सड़कें तबाह हो गई हैं, रास्ते टूट गए हैं और बसें भी अब चलना बंद हो गई हैं, तो लोगों का संपर्क भी टूट जाता है और इस बीच जो है काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं तो आपको बता दें कि जिला कुल्लू में सबसे ज्यादा 68 सड़कें बंद पड़ी हैं। जिला को जोड़ने वाले NH 305 जो कोट नाला में है अवरुद्ध हो गया है, और चंबा में 22 सड़कें हैं, कांगड़ा में 2, मंडी में 19 सड़कें हैं, और इसी तरह से जो है सड़कें बंद होने की वजह से लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगर बात करते हैं तो NH जो बाधित हुए थे उन्हें खोलने का प्रयास जल्दी हो गया। चंबा की तरफ अगर बात करें कुछ ऐसी सड़कें थी जो बंद पड़ी थी उन्हें भी खोल दिया गया है, बाकी सड़कों को खोलने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मौसम की अगर बात करें तो जिस तरह से मौसम बना हुआ है, अगर बारिश होती है तो फिर से कहीं ना कहीं रास्तों को खोलना मुश्किल हो जाएगा। इसी बीच अगर बात करें तो आपको बता दें कि गड़सा घाटी में अमरू नाला में दरकी पहाड़ी और 11 पंचायतों का संपर्क मार्ग जो है कट गया है। तो जिला कुल्लू की गड़सा घाटी में बजौरा गड़सा मार्ग में जो है अबरू नाला के पास पहाड़ी दरक गई है, जिस कारण मार्ग जो है यातायात के लिए फिलहाल बंद हो गया है, और भूस्खलन जो है करीब रात 11 बजे के आसपास हुआ है। उसके बाद जो है यातायात के लिए मार्ग बंद पड़ा हुआ है। पहाड़ी से लगातार गिर रहे मलबे के कारण जो पत्थर मार्ग पे आ रही हैं, और ये अभी बहाल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जो अगर बात करें जिस तरह से लोक निर्माण विभाग के लोग जो है जब रास्ता बहाल करने जाते हैं तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भी रहेगा, क्योंकि लगातार पहाड़ी से पत्थर भी गिर रहे हैं। रात के समय ये वहां पर भूस्खलन हुआ है। इसी बीच बात एक बार फिर से आपको मौसम की तरफ लेकर चलते हैं और आपको जानकारी देंगे कि हिमाचल प्रदेश में भी फिलहाल मौसम जो है कुछ ऐसा ही रहने वाला है, जहां पर बारिश को लेकर अभी अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम को अगर देखें सुबह से आज आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और बारिश होने की कभी भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी बादल बरस सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो मौसम विभाग द्वारा आज मौसम साफ रहने की बात की गई है। 26 तारीख और 27 तारीख दो दिन जो है प्रदेश में मौसम साफ रहने की बात की गई है, और 28 तारीख को मौसम जो है फिर से करवट बदलेगा, भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 29 और 30 तारीख को फिर से मौसम साफ रहेगा। इसी बीच बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जगह जगह
नुकसान अभी तक हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। और अभी फिलहाल बात करते हैं तो जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जगह जगह नुकसान हुआ है, तो काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश में देखा गया है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान जो है ऊना जिला का तापमान सबसे अधिक रहा है और केलाओं का तापमान सबसे कम 10.2 और ऊना जिला का रहा है 34.9। इसी बीच बाकी जगहों के तापमान की भी बात करते हैं तो शिमला का जो न्यूनतम तापमान बीते 24 घंटों के दौरान रहा है वो 16.5 है, सुंदरनगर का 21.2, भुंतर का 20.4 है, कल्पा की बात करते हैं 12.8 है, धर्मशाला का 19.2 है, ऊना का 24.6 है, नाहन का 22.1, केलांग का 10.2 है, पालमपुर 18.5 है, सोलन 19.6 है, मनाली 14.8 है, कांगड़ा 23.5, मंडी 22.3, बिलासपुर 24.0 है, हमीरपुर 22.8, चंबा 21.5, डलहौजी 17.3 है, जुब्बड़हट्टी 19.6, कुफरी 15.6, कुकुमसेरी 12.4 है, नारकंडा 13.9, कोटखाई 18.0, रिकांगपियो 17.4, सेउबाग 18.3, धौलाकुआं 25.0 है, बरठी 23.1, पांवटासाहिब 25.0। तो इसी तरह से सभी जगहों पर तापमान जो है फिलहाल बना हुआ है बीते 24 घंटों के दौरान, ये तापमान जो है मौसम विभाग द्वारा बताया जाता है। तो इसी बीच आज के लिए मुझे लगता है मौसम अपडेट में इतना ही। यदि आप लोगों का कोई सवाल है तो वो देख लेते हैं, और यदि आप लोगों का कोई सवाल रहता है तो उसके बारे में आप लोग पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी आपको देंगे। तो मुझे लगता है अभी तक किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा है, और आज के लिए इतना ही। मौसम अपडेट में रोजाना आपको जानकारी देंगे हिमाचल प्रदेश के मौसम के बारे में। तो देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, आपके साथ में हूँ वर्षा, और मेरा स्ट्रीम पर साथ दिया वीडियो जर्नलिस्ट निशांत सूजी ने। धन्यवाद।